नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में आज जानते हैं ट्रांसफार्मर के संपनर टेस्ट के बारे में और समझते हैं बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट। केवल लॉस पावर को लेते हुए दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर में जब किया जाता है तो साइमल्टेनियसली कॉपर और कोर लॉसेज होने के कारण हम टेम्परेचर राइज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। किस तरह से संपनर टेस्ट का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है और टेस्ट के रिजल्ट्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी बातें समझते हैं। शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर में बैक टू बैक संपनर टेस्ट। ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट लोड टेस्ट कंडक्ट करके हम एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और लोड की स्थितियों में हीटिंग से टेम्परेचर राइज की क्या स्थितियां रहती हैं वो जांच सकते हैं। लेकिन इसी तरह की जांच करने का संपनर बैक टू बैक टेस्ट एक तरह का रीजनरेटिव टेस्ट है, जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और टेम्परेचर राइज सारी बातें बता देता है। और ट्रांसफार्मर को हमें एक्चुअल लोड के साथ एनर्जी कंजम्पशंस भी नहीं करानी होती और सभी तरह के लॉसेस साइमल्टेनियसली होने से हमें लोडेड कंडीशन में जो टेम्परेचर राइज और हीटिंग होती है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। यूं तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट हैं वो भी ट्रांसफार्मर की इनडायरेक्ट टेस्टिंग है और इनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से हमें शंट ब्रांच के पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सीरीज ब्रांच के इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर मालूम हो सकते हैं और हम इन दो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से ओपन सर्किट से आयरन लॉस और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस पता करके एफिशिएंसी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों टेस्ट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में क्या हीटिंग रहेगी, क्या टेम्परेचर राइज कंडीशंस रहेगी, उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं संपनर बैक टू बैक टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर में साइमल्टेनियसली कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज को कंडक्ट करके एक्चुअल लोडिंग जैसी कंडीशंस को आर्टिफिशियली सिमुलेट कर सकते हैं और इन्हीं कारणों से जो संपनर टेस्ट है वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स रेगुलेशन, एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज के हमें दे सकता है। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी रहेगा कि संपनर टेस्ट एक तरह का बैक टू बैक टेस्ट है और वो तभी किया जा सकता है जब दो बिल्कुल एक जैसे परफेक्ट आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हमारे पास अवेलेबल हो। रूटीन में जो ट्रांसफार्मर निर्माता होते हैं वो एक ही बैच के ट्रांसफार्मर एक से अधिक संख्या में एक साथ बनाते हैं, तो वहां इस तरह के संपनर टेस्ट या बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट करना आसान हो जाता है। और दोनों ट्रांसफार्मर को जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर लोड का काम करने लगता है और एक दूसरे की लोडिंग भी हो जाती है और हमें ना तो लोड अरेंज करना होता ना ही लोड की पावर सप्लाई से ड्रॉ करनी होती है। केवल हम सप्लाई से लॉस पावर ड्रॉ करते हुए ट्रांसफार्मर की एक्चुअल लोड के समय क्या स्थिति होगी उन्हें कृत्रिम रूप से उत्पन्न करके एक सिमुलेशन तरीके से ट्रांसफार्मर की लोडिंग जैसी टेस्टिंग इनडायरेक्ट बिना लोड की स्थितियों के साथ कर सकते हैं। दो आइडेंटिकल T1 और T2 ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करने के बाद दोनों की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग्स होती हैं उन्हें आपस में पैरेलल कनेक्ट करके रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है और दोनों ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उन्हें सेकेंडरी बनाते समय जब उन्हें कनेक्ट किया जाता है तो उनके कनेक्शन में एक फेज ओपोजिशन बनाई जाती है और जो ऑपोजिट फेज कंडीशन के साथ लाइक पोलैरिटी वाली पोजीशंस होती हैं उनके बीच में एक लो वोल्टेज की सप्लाई इस तरह से जोड़ी जाती है ताकि इन ट्रांसफार्मर की जो दूसरी साइड है LV साइड वहां शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियां पैदा हो जाए। संपनर बैक टू बैक टेस्ट कंडक्ट करते समय दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि जब हम LV साइड पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दोनों ट्रांसफार्मर की LV साइड की वाइंडिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करके देते हैं और दोनों ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपस में सीरीज में फेज ओपोजिशन में जोड़ा जाता है। यहाँ डॉट कन्वेंशन से हम देख सकते हैं कि सेम फेज कंडीशन के A और D पॉइंट्स के बीच में जहां हम एक दूसरी टेस्ट सप्लाई देंगे ओपन सर्किट जैसी कंडीशन इस V2 वोल्टमीटर के जीरो रीडिंग से प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी HV साइड पे एक लो वोल्टेज की सप्लाई रेटेड करंट को सर्कुलेट कराती है तो LV साइड शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करती है। इस वर्किंग को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। एक तरफ लो वोल्टेज की सप्लाई HV साइड में देने के बाद LV साइड में शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन से शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ LV साइड पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देने पर HV साइड ओपन सर्किट टेस्ट जैसी कंडीशंस बना देती है। पहले हम ओपन सर्किट
सर्किट टेस्ट की कंडीशंस के बारे में समझते हैं और बाद में शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिमुलेट कैसे हुआ उसे जानते हैं। यहाँ T1 और T2 दो बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हैं। इन दोनों की LV साइड को आपस में पैरेलल जोड़ते हुए रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को जोड़ दिया गया है और इन्हीं ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड्स हैं उन्हें इस तरह से कनेक्ट किया है कि उनकी सेम पोलरिटी के जो पोजीशंस हैं वो यहाँ इस लोकल लूप में फेज ओपोजिशंस बना लें और यहाँ ए और डी के बीच में हमें जीरो वोल्टेज प्राप्त हो जाए। इस पोजीशन को टेस्ट करने के लिए हम जो HV साइड की रेटेड वोल्टेज है उससे दुगनी रेटिंग का एक वोल्टमीटर V2 यहाँ ए और डी के बीच में कनेक्ट करते हैं ताकि हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में फेज ओपोजिशन कंडीशंस को चेक कर सकें। यहाँ ट्रांसफार्मर में डॉट कन्वेंशन आइडेंटिकल पोलरिटी को इंडिकेट कर रही है और हमने दोनों ट्रांसफार्मर T1 और T2 में प्राइमरी जो LV साइड है उसे तो रेटेड वोल्टेज की और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई पैरेलल में कनेक्ट कर दी है जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है और दोनों ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड को सेकेंडरी के बतौर आपस में सीरीज में जोड़ते समय फेज ओपोजिशन की गई है और ऐसी स्थिति में ए और डी जो टेस्टिंग के लिए हमें पॉइंट्स अवेलेबल है जहां हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए लो वोल्टेज की सप्लाई भी कनेक्ट करेंगे और उसे इस वोल्टमीटर से मेजर करेंगे। अभी अगर वो सप्लाई नहीं दी हुई है और दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में आइडेंटिकल वोल्टेज है तो सेम फेरा अनुपात से फेज ओपोजिशन के साथ ए और डी के बीच में यहाँ जीरो वोल्टेज आनी चाहिए। अगर जांच के लिए इस्तेमाल किया गया ये HV साइड की वोल्टेज से दुगनी रेटिंग का वोल्टमीटर अगर दुगनी वोल्टेज शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों सेकेंडरीज यहाँ सर्किट में आइडेंटिकल पोलरिटी के साथ कनेक्ट होकर एडिटिव मैनर में काम कर रही है और हमें पहले ट्रांसफार्मर के बी टर्मिनल का दूसरे ट्रांसफार्मर के सी टर्मिनल से जो कनेक्शन था उसे बदलकर सी की बजाय ए से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ इस लोकल लूप में दोनों ट्रांसफार्मर फेज ओपोजिशन में आ जाएंगे और हमारा वोल्टमीटर V2 जीरो रीड करने लगेगा। और अगर ऐसी कनेक्शन स्थितियों में वोल्टमीटर डबल वोल्टेज रीड कर रहा है तो हमें सी का कनेक्शन ए की बजाय बी से करके ए और डी के बीच में टेस्टिंग पोजिशंस चित्रानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए और अब यहाँ ये दोनों सेकेंडरी जो HV साइड्स हैं वो फेज ओपोजिशन में जीरो वोल्टेज का आउटपुट देंगी और अगर हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडीशन सिमुलेट करनी है तो यहाँ ए और डी के बीच में हम एक लो वोल्टेज की सप्लाई अगर देंगे तो जो LV साइड्स हैं वो यहाँ एक लोकल लूप में शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस बना देंगी। दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की LV साइड्स को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई पैरेलल में कनेक्ट होने पे एक जैसी मिल रही है और सेम फेरा अनुपात से जो HV साइड सेकेंडरी के जैसे काम कर रही है उसमें आइडेंटिकल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। और अगर हम यहाँ पोलरिटी डॉट कन्वेंशन से देखें और ऑपोजिट फेज सीक्वेंस से अगर कनेक्शन कर देते हैं तो हम पाते हैं कि ए और डी के बीच में अगर ये वोल्टेज चित्रानुसार डॉट पॉइंट को तय की गई समय क्षण पे हाई पोलरिटी की पोजीशन माने तो हम पाते हैं कि इस लोकल लूप में दोनों आइडेंटिकल वोल्टेज ऑपोजिट फेज सीक्वेंस के साथ यहाँ जीरो वोल्टेज पैदा कर देंगी और एक ट्रांसफार्मर के लिए दूसरा ट्रांसफार्मर का ये कनेक्शन ओपन सर्किट कंडीशंस बना देगा और सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ऐसी स्थिति में जब रेटेड वोल्टेज प्राइमरी में दी हुई है तो कोर में रेटेड फ्लक्स बनाने की स्थितियां यहां करंट और पावर ड्रॉ करके हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जो मेजरमेंट के लिए हमने वोल्टमीटर एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट किए हैं वो दोनों ट्रांसफार्मर की साइमल्टेनियसली ओपन सर्किट टेस्टिंग कर देगा और ये वोल्टमीटर ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ट्रांसफार्मर की रेटेड वोल्टेज जो पैरेलल में सप्लाई से मिल रही है उसे इंडिकेट करेगा और ये एमीटर दोनों ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का सम बताएगा। अगर नो लोड करंट एक ट्रांसफार्मर का आई नोट है तो हमारी एमीटर की रीडिंग उसकी डबल 2I नोट होगी और एमीटर की रीडिंग को आधा करके हम किसी भी एक ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की रीडिंग 4 एम्पियर है तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट 4 एम्पियर का आधा 2 एम्पियर है। इसी तरह से ये वोल्टमीटर दोनों ट्रांसफार्मर की कोर लॉसेस को आयरन लॉसेस को जोड़कर पढ़ेगा। अगर वोल्टमीटर की रीडिंग 600 वाट है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है आइडेंटिकल वोल्टेज कंडीशंस के साथ एक्साइटेड है तो जो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के कोर लॉसेज हैं वो इस वोल्टमीटर की 600 वाट रीडिंग के आधे आधे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वोल्टमीटर की पावर रीडिंग का आधा ट्रांसफार्मर का कोर लॉस हो जाएगा और एमीटर की रीडिंग का आधा ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट हो जाएगा जबकि टेस्ट वोल्टेज यहाँ इस वोल्टमीटर से पढ़ी जाएगी। संपनर बैक टू बैक टेस्ट में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडीशन सिमुलेट करने के लिए दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की HV साइड वाइंडिंग्स
आपस में सीरीज में फेज ओपोजिशन में जोड़ी जाती है, जीरो वोल्टेज के साथ ओपन सर्किट कंडीशंस बना रही थी, उन्हीं ए और डी टेस्ट पोजीशन के बीच में एक छोटी वोल्टेज जो हाई वोल्टेज साइड की रेटेड वोल्टेज की 5-10% होती है वो इस तरह से धीमे धीमे बढ़ाई जाती है कि इस एमीटर में एचवी साइड का रेटेड फुल लोड करंट जैसी करंट कंडीशंस आ जाए और ए और डी के बीच में लो वोल्टेज की सप्लाई जब ट्रांसफॉर्मर की एचवी साइड की दोनों वाइंडिंग्स में इस तरह से करंट फ्लो कर रही है तो एलवी साइड की वाइंडिंग्स यहां एक लोकल लूप में शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस बना देती हैं और इस शॉर्ट सर्किट के रिफ्लेक्शन से दोनों एचवी और एलवी साइड की वाइंडिंग में फुल लोड करंट जैसा करंट फ्लो होने लगता है। और जो खास बात है वो ये है कि जब एलवी साइड में शॉर्ट सर्किट कंडीशन का फुल लोड जैसा करंट फ्लो हो रहा है वो करंट वॉटमीटर की करंट कॉइल या ओपन सर्किट टेस्ट के नो लोड करंट को मेजर करने वाले एमीटर में फ्लो नहीं होगा और हमें उस करंट की रीडिंग केवल इस एमीटर ए2 से पता लगेगी और उस करंट से जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ओमिक कॉपर लॉस हो रहे हैं उनकी रीडिंग इस W2 वोल्टमीटर से होगी। यहां हम समझ सकते हैं कि सुपरपोजिशन के अनुसार दो अलग अलग वोल्टेजेस एलवी और एचवी साइड पे दी जा रही है, एलवी पे रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे दी जा रही है और एचवी ओपन सर्किट जैसी कंडीशंस बना रही थी और एचवी साइड पे जब रेटेड वोल्टेज की 5-10% वोल्टेज दी जा रही है तो दूसरी एलवी साइड यहां शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस बना रही है। दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग को स्मॉल कैप लेटर ए बी और सी ओ डी से डिनोट किया हुआ है, वहीं जो हाई वोल्टेज साइड है उन्हें कैपिटल लेटर ए बी या सी डी से डिनोट किया हुआ है। और क्योंकि दोनों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरियां फेज ओपोजिशन में है तो अगर यहां एक वोल्टेज ए और डी के बीच में लगाई जाती है तो डॉट कन्वेंशन की पोलरिटी के हिसाब से एलवी साइड में ए और डी पॉइंट सेम फेज या पोलरिटी कंडीशंस में होंगे और अगर उन्हें हम हाई पोटेंशियल पोलरिटी किसी टाइम इंस्टेंट पे माने तो यहाँ ए का कनेक्शन सी से और डी का कनेक्शन बी से दोनों ट्रांसफॉर्मर की एलवी वाइंडिंग्स में एक लोकल लूप में शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस बना देगा और वो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ रेड डॉट लाइन के अनुसार एक लूप में फ्लो होता हुआ रिफ्लेक्शन से एचवी साइड की वाइंडिंग में भी फुल लोड कंडीशंस का करंट सप्लाई से जनरेट कर देगा और हम बहुत कम टेस्ट वोल्टेज पे ही जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो ये टेस्ट वोल्टेज दोनों ट्रांसफॉर्मर की शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का सम यहाँ डिनोट करेगी और एमीटर में जो करंट फ्लो है वो सीरीज में दोनों एचवी वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करेगा। तो हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार जब हम एचवी साइड में ए और डी पॉइंट्स के बीच में लो वोल्टेज की सप्लाई भी दे रहे हैं तो यहाँ एलवी साइड में शॉर्ट सर्किट कंडीशंस प्रिवेल होने से बहुत कम वोल्टेज से ही फुल लोड करंट जैसी कंडीशंस दोनों एचवी और एलवी वाइंडिंग्स में यहाँ बन गई है। ट्रांसफॉर्मर की एचवी साइड की वाइंडिंग्स के साथ ए और डी टेस्ट टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वो रेटेड वोल्टेज का 5-10% मान पे ही दूसरी साइड शॉर्ट सर्किट कंडीशंस होने पे फुल लोड करंट जैसा करंट कैरी करने लगती है तो यहाँ दोनों ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में इस सप्लाई के कारण एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिमुलेट हो जाता है। कृत्रिम रूप से ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट जैसी कंडीशंस पे काम करने लगते हैं और ये एमीटर एचवी साइड का शॉर्ट सर्किट कंडीशंस का करंट मेजर कर रहा है, ये वोल्टमीटर दोनों ट्रांसफॉर्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट वोल्टेज का सम मेजर कर रहा है। अगर इस वोल्टमीटर की रीडिंग 40 वोल्ट है तो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 40 की आधा 20 वोल्ट पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रही है और ये W2 वोल्टमीटर दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स में जो टोटल कॉपर लॉसेज हैं उनको मेजर कर रहा है। ये एलवी साइड में शॉर्ट सर्किट करंट का फ्लो ना तो इस एमीटर में है ना इस वॉटमीटर की करंट कॉइल में है तो इनकी रीडिंग्स पे शॉर्ट सर्किट सिमुलेशन का असर नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट पावर ड्रॉ केवल दूसरी सप्लाई से होगी। हम यहाँ यूं भी कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ जो लो वोल्टेज की सप्लाई ए और डी टर्मिनल के बीच में दी गई है वो रेस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मर के साथ एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन बता रही है और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कंडीशंस मान सकते हैं अगर वो पैसिव फॉर्मेट में है तो इस सप्लाई के लिए ए और बी टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है, सी और डी आपस में शॉर्ट सर्किट है इस सप्लाई के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसा बिहेव करने के कारण और वही सुपरपोजिशन सिद्धांत अगर हम यहाँ लगाएं एलवी साइड के सप्लाई के लिए तो एचवी साइड में हमने एक आइडियल करंट सोर्स ए और डी के बीच में लगाया हुआ है जो पैसिव फॉर्म में निष्क्रिय रूप में एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है तो यहाँ दोनों ट्रांसफॉर्मर की एचवी वाइंडिंग्स दूसरी
सप्लाई के लिए ओपन सर्किट जैसी कंडीशंस बना रही है। तो ये वॉट मीटर दोनों ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस मेजर कर रहा है और W2 वॉट मीटर दोनों ट्रांसफार्मर के टोटल कॉपर लॉस मेजर कर रहा है। अगर हमें किसी एक ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस निकालने हैं तो W2 की रीडिंग को हमें आधा कर देना चाहिए। एक बड़ी पावर साइज के ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट लोडिंग बहुत इनकन्वीनियंट पोजीशंस है, जहां हम ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं और दोनों वाइंडिंग में फुल लोड करंट जैसी कंडीशंस भी आ रही है, तो फुल रेटेड वोल्टेज पे फुल लोड करंट के साथ बहुत ज्यादा पावर यहाँ लोड में अगर डायरेक्ट टेस्टिंग की जाए तो कंज्यूम होती है और टेस्ट के दौरान हमें बहुत बड़ी एनर्जी अमाउंट को वेस्ट करना होता है। वहीं ये जो बैक टू बैक टेस्ट है जिसमें दोनों ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड भी हो गए हैं लेकिन हमने जो दोनों तरफ से सप्लाई से टोटल पावर ड्रॉ की है वो लोड की पावर नहीं है, वो केवल दोनों ट्रांसफार्मर में कोर में जो आयरन लॉस हो रहे हैं वो W1 वॉट मीटर द्वारा मेजर किए जा रहे हैं। इसी दौरान सीरीज में जुड़ी हुई दोनों ट्रांसफार्मर की HV वाइंडिंग पे लो वोल्टेज की सप्लाई देके जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिमुलेट किया जा रहा है उस टेस्ट की पावर इनपुट इस वॉट मीटर द्वारा दोनों ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग की टोटल कॉपर लॉसेस के रूप में मेजर हो रही है। जब दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर पे सपनर का बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट किया जाता है तो फेज ऑपोजिशन में कनेक्ट ये जो HV साइड की वाइंडिंग्स हैं वो LV साइड पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देने पर भी ओपन सर्किट कंडीशन जैसा बिहेव करती हैं और ऐसी स्थिति में रेटेड वोल्टेज पे कोर में रेटेड फ्लक्स की आयरन लॉसेस से जो टेम्परेचर राइज हीटिंग होती है वो कंडीशन आ जाती है। वहीं ए और डी के बीच में लो वोल्टेज की सप्लाई से जब करंट भेजा जाता है तो ये दोनों वाइंडिंग्स एक लोकल शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन बनाकर बहुत कम वोल्टेज पे ही दोनों वाइंडिंग्स में दोनों ट्रांसफार्मर में फुल लोड जैसी कंडीशंस आ जाती हैं और कॉपर लॉसेस भी फुल लोड करंट जैसी कंडीशंस के होने लगते हैं। तो साइमल्टेनियसली आयरन और कॉपर लॉस होने से टेम्परेचर राइज की कंडीशंस एक्चुअल डायरेक्ट लोडिंग जैसे टेस्ट जैसी होने लग गई है लेकिन ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कम वोल्टेज पे भेजा जा रहा है और रेटेड वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर बहुत कम करंट ड्रॉ कर रहा है। तो सप्लाई से दोनों साइड से ट्रांसफार्मर पावर ड्रॉ करता है जो वोल्टमीटर से मेजर की जाती है वो केवल लॉस पावर है। जब दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर पे संपनर का बैक टू बैक रीजनरेटिव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो LV साइड पे जो दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करके हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दे रहे हैं वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसा बिहेव करता है। वहीं जो HV साइड पे फेज ओपोजिशन की वाइंडिंग्स पे हम जो लो वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं वो एक आइडियल करंट सोर्स जैसा बिहेव करती है और सुपरपोजिशन की कंडीशंस को अगर हम यहां इस्तेमाल करें और LV साइड की सप्लाई को केवल एक्टिव माने HV साइड की सप्लाई को पैसिव कर लेते हैं तो यहाँ दोनों फेज ओपोजिशन की वाइंडिंग ओपन सर्किट जैसी कंडीशंस बना देगी और LV साइड पे सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ वोल्टमीटर ओपन सर्किट टेस्ट की रेटेड वोल्टेज का मेजरमेंट देगा। ये एमीटर दोनों ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का समेशन बताएगा और ये वोल्टमीटर दोनों ट्रांसफार्मर की आयरन या कोर लॉस जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे रेटेड कंडीशंस की है उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो हम नो लोड करंट को निकालने के लिए एमीटर की रीडिंग को आधा कर दें और ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को निकालने के लिए W1 की रीडिंग को आधा कर दें और V1 रेटेड वोल्टेज जिस पे टेस्ट ओपन सर्किट किया जा रहा है उसे बता रहा है। अब अगर हम दूसरी साइड की सप्लाई को कंसीडर करते हैं और LV साइड की सप्लाई को पैसिव मान लेते हैं तो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो एक शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशंस यहां दोनों LV साइड के अक्रॉस बना रहा है और HV साइड पे जब LV शॉर्ट सर्किट है रेटेड से 5-10% वोल्टेज पे ही अगर यहां ए और डी के बीच में फुल लोड करंट बनाने के लिए शॉर्ट सर्किट वोल्टेज किसी एक ट्रांसफार्मर में 100 वोल्ट चाहिए तो दोनों का टोटल 200 वोल्ट जब यहां ए और डी के बीच में हम अप्लाई करेंगे और इस V2 वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो दोनों ट्रांसफार्मर में जो HV साइड का शॉर्ट सर्किट करंट है वो यूं अपना फ्लो बनाते हुए एमीटर और इस करंट कॉइल में फ्लो हो जाएगा और LV साइड इस रेड डॉटेड लूप में शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करवा देगी और इस टेस्ट कंडीशंस पे एमीटर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मेजरमेंट देगा और वोल्टमीटर और वोल्टमीटर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की डबल और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो कॉपर लॉस एक इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर में हो रहा है उसका डबल रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वोल्टमीटर दोनों ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस का समेशन मेजर कर रहा है और ये वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्टेड ये दोनों वाइंडिंग्स में शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का समेशन मेजर कर रहा है। तो टेस्ट के दौरान
V1 ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज, A1 नो लोड करंट का डबल, W1 आयरन लॉस का डबल मेजर कर रहा है, W2 कॉपर लॉस का डबल, V2 शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का डबल और A2 शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर रहा है। तो यहाँ पैरेलल में कनेक्ट वोल्टेज वोल्ट मीटर V1 रेटेड वोल्टेज और यहाँ सीरीज में कनेक्ट एमीटर A2 शॉर्ट सर्किट करंट का मेजरमेंट है और बाकी जो मीटर हमने लगाए हैं वो दोनों ट्रांसफॉर्मर का टोटल डबल वैल्यूज पड़ रहे हैं। संपनर टेस्ट को अच्छी तरह समझने के बाद परीक्षाओं में जो संपनर टेस्ट जब हम ट्रांसफॉर्मर में करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके प्रश्न को भी आसानी से समझा जा सकता है। बहुत बड़ी जो पावर रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनपे डायरेक्ट लोड टेस्ट करने के लिए जो एक्चुअल लोड हमें कंट्रोल कंडीशन का चाहिए उसे अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और संपनर टेस्ट की मदद से हम दो आइडेंटिकल बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर को बिना लोड एक्चुअल अरेंज किए हुए टेस्टिंग को किया जा सकता है। टेस्ट के दौरान हमें लोड अरेंज नहीं करना होता तो लोड की जो पावर वेस्ट होती है वो नहीं करनी होती, हम केवल दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो कॉपर और कोर लॉसेस की रिक्वायरमेंट है उन्हें ही सप्लाई से ड्रॉ करने हैं। तो संपनर टेस्ट में जो पावर रिक्वायर्ड है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वो काफी कम है और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स बहुत कम पावर यूटिलाइजेशन के साथ केवल लॉस पावर को सप्लाई करने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। संपनर टेस्ट की मदद से हम कॉपर लॉस पता कर सकते हैं जैसे कि हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता किए थे, आयरन लॉस पता कर सकते हैं जैसे कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट से पता किए थे, लेकिन ये दोनों जब ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं तो टेम्परेचर राइज की कंडीशंस की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन संपनर टेस्ट में रीजनरेटिव बैक टू बैक टेस्ट होने के कारण दोनों ट्रांसफॉर्मर में कोर और कॉपर लॉस एक साथ होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल टेम्परेचर राइज कंडीशन हीट कंडीशंस क्या है वो ठीक से मालूम हो जाती है। हम इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर एफिशिएंसी और दूसरी सारी कैलकुलेशंस भी बहुत आसानी से और एक्यूरेटली बहुत कम पावर कंजम्पशन के साथ संपनर टेस्ट के डाटा से कर सकते हैं। जो संपनर टेस्ट का एकमात्र डिसएडवांटेज है वो ये है कि टेस्ट करने के लिए हमें जो दोनों ट्रांसफॉर्मर चाहिए वो परफेक्ट रूप से आइडेंटिकल होने चाहिए। दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर पे इस तरह का बैक टू बैक या रीजनरेटिव टेस्ट संभव नहीं है। उम्मीद है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की हमारी ये प्लेलिस्ट आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी और इस लर्निंग वीडियो से संपनर टेस्ट के बारे में परीक्षा प्रश्न करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे स्टडी नोट्स पाने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।